गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है 7 o'clock और ये भी पर्यावरण दिवस। आज 5 जून है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। मन जून में पेड़ पौधे जून जुलाई तक तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं और इसके कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो पेड़ों को काटूँ नहीं, यही संदेश देना चाहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने घर आंगन बाहर को हरियाली करिए। देख लो हमारी हरियाली कितनी अच्छी। और पेड़ पौधे रहेंगे तो पक्षी भी रहेंगे। देखो पक्षी हमारे यहाँ पैरट बैठा है, खाना खा रहा है और हमारे घर की हरियाली देखो। मुझे तो बहुत शौक है, देख लो बैठा हुआ है और खाना खा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर पक्षियों को भी सुरक्षित करिए, अपने अपने आप को सुरक्षित करने को भी ऑक्सीजन मिलेगी इनकी वजह से। अभी कोरोना सेकंड वाला आया था, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आया था। और सॉरी पौधे काट कर और कहते ना अपनी जड़ें काट रहे हैं अपन, नहीं नुकसान कर रहे बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत दिन बाद यहाँ ब्लॉग बनाऊँ तो बहुत यहाँ का व्यू इतना बढ़िया लगता है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मैं वो डाल देती हूँ मेरे यहाँ पे, जिससे पूरा खा गए सब। और मुझे और भरना है इसमें बॉटल में। मैंने देखा इनको चावल बहुत प्रिय रहते हैं। मेरी हरियाली देखो, मुझे तो बहुत शौक है पेड़ पौधों का। ये देखो अभी तो और खाली है, लगाना है मुझे और लेके आऊँगी और लगाना है मुझे। और ये देखो ये हमारा नीम का पेड़ जो सर्दी के रूप में काम करता है, इसके हवा खा के अपना मन अपनी जो स्वास्थ्य तासीर सब स्वस्थ रहती है। भारत को ये संदेश देते हैं कचरे की गाड़ियों। देखो हैप्पी प्रारंभ दिवस, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। और ये जून में तो इतनी हरियाली हो जाती है, एक पानी की वजह से पूरे झाड़ जीवित हो जाए। एक पानी आया कल और पूरे प्लांटर पेड़ पौधे ऐसे हो गए जैसे जी गए दिवस है। हैप्पी पर्यावरण दिवस है। गायत्री परिवार में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज सब जाएंगे। संस्था गई थी, संस्था स्टार्ट हो गई है। अभी क्या होता है एडमिशन वगैरह होते तो वहाँ से अभी थोड़ा सा ब्लॉग मैंने मॉर्निंग में शूट किया है ना। उसके बाद में मैंने आके सारे बर्तन क्लीन करे, जमाना है। उसके बाद में ये किसको गीली, इसको हम मूँगफली बोलते, बहुत टेस्टी लगती है। और एक साड़ी मैंने ली थी मेले में से, आपको दिखा दी उसका ब्लाउज लेने गई थी, अस्तर की ब्लाउज। मेरे वीडियो इसमें क्या पता कैसे आने लगा आजकल। उसके बाद इतनी गर्मी, यहाँ पे सामान थोड़ा मिलता नहीं, फिर एप्पल की ले ली ठंडा पीने के लिए, छोटी छोटी बाटल मिली तो फिर वो लेके आई मैं। कल तो पानी तो बहुत आया पर तो गर्मी उमस बहुत हो रही है, अभी भी चेहरा ऐसा हो रहा है बिल्कुल काले ऐसा काले कलर हो रहा है पसीने की वजह से। रात में तो नाइट में तो बिल्कुल बहुत दिक्कत हुई, पानी ज़्यादा गया, बहुत सारा आया था पानी और पूरा गर्मी के मारे बहुत परेशान रहे। कूलर में भी मैंने पानी उसमें भर दिया है। और उसके बाद में इनके चलो आज मैं वीडियो उठाती हूँ
वीडियो नहीं उठाती, आगे उठाती आगे बढ़ाती हूँ। और आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगी। सबको ये तो देखो, सबको सहन करना पड़ती है गर्मी ठंडी बारिश से ना। किसी को गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, किसी को ठंडी का, किसी को बारिश का मौसम अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छा लगता ही है ना। पर इन मौसम को सहन करना ही पड़ता है, वो आदत बॉडी को डालना पड़ती है। किसी किसी को गर्मी सहन नहीं होती, किसी को हो जाती है, पर मुझे नहीं होती है। क्या पता क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। चलो ठीक है, इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग देती हूँ। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है, उसकी भी आप लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अपने घर के आसपास अच्छे से पेड़ पौधे लगाइए है ना, और ताज़ी ताज़ी हवा खाइए और मस्त रहिए। कभी घर में लाइट वगैरह नहीं रही तो वही पेड़ पौधे काम में आते हवा के लिए, है ना। ठीक है ना, हमारे इधर तो सब पेड़ पौधे की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर घर के सामने लगे रहते हैं। जैसे मैं भी दिखाती हूँ आपको, नीम का पेड़ मैंने यहाँ लगा सामने जैसे। और वो वाले जो छोटा घर है ना हमारा, उसमें तो इतने लगे हैं अशोक का पेड़ पौधे, अक्सर मैंने वीडियो में शेयर भी किया है आप लोगों के। चलो ठीक है, इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग देती हूँ। दुआ में याद रखना, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाना। यूट्यूब भैया कौन है उनको बोलो कि वो आगे बढ़ा दे मेरे वीडियो को, है ना। ठीक है, बाय बाय।